आज हम दोनों मुमुक्षुओं को लेकर मातृधाम वृद्धाश्रम अहमदाबाद में आया है। लगभग यहाँ सभी जो वृद्धाश्रम में है सभी जैन हैं, जितने सदस्य सब जैन हैं। कहते हैं कि देव के बाद गुरु के बाद जिनका स्थान है उन माता पिता को भी कोई छोड़ देता है और वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से यहाँ देते हैं, माता परिवार के बिना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। छलक तो जाए छे लागणी घेराए छेन तू वरस तो जाए छे तू टीन हो बिखराऊ पण सपना उतारा तूटे नहीं मारा श्वास छूटी जाए पण कदी स्मित तारू छूटे नहीं पापा अगली तकी दी जाली ने मारो हाथ जीवनी ढगली में आखी राखी छे तारी काज। मिलकर बच्चों को ने तो आशीर्वाद लिया लेकिन अंदर से एक दर्द भी हुआ है। ये पूरी दुनिया देखकर एक अंदर से इच्छा हुई कि कोई भी अपने माँ बाप को अपने घर से ना छोड़े, वो उनसे अलग ना हो जाए, क्योंकि आज वो छोटे छोटे बच्चों को भी उनके पोते समान वो बच्चे थे। हमारे दोनों मुमुक्षुओं को देखकर उनको अपने पोतों की याद आ गई कि हम काश हमारे पोते होते तो हम भी उसी तरह से लाड़ कोड़ करते। आप नहीं जान पा रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप उनको अपने पोतों के प्यार से भी वंचित कर रहे हो, आप उनके प्यार से भी उनके माता पिता के प्यार से भी वंचित हो रहे हो। तो खास इस वृद्धाश्रम की एक जो मुलाकात अंदर से एक टीस एक दर्द पैदा करके जा रही है, और सबसे खास निवेदन करता हूँ प्लीज़ अपने माता पिता को ना छोड़े, क्योंकि वो अपने जीते जागते भगवान के समान है। आप सबको ये प्रश्न होगा कि इतने छोटी उम्र में दीक्षा क्यों, अभी तो संसार देखा ही क्या है। तो क्रिकेट का भगवान ऐसा सचिन तेंदुलकर छोटी उम्र में बैट उठता है तो ये क्रिकेट का भगवान बन सकता है, बड़ी उम्र में 40 साल की उम्र में बैट उठता है तो क्रिकेट का भगवान नहीं बन सकता। वैसे ही मैं भी छोटी उम्र में भगवान बनने के रास्ते पर चलूँ तो आगे जाके मैं भगवान बन सकता हूँ, बड़ी उम्र में चलूँ तो पॉसिबिलिटीज़ कम है। इसलिए मैं छोटी उम्र से दीक्षा लेने जा रहा हूँ। 21 जैन मणिलक्ष्मी दिन पोस्ट सुद 11 के दिन मेरी दीक्षा है, आप सब आशीर्वाद देना। मेरी दीक्षा 28 अप्रैल को है तो आप उधर तो नहीं आ सकते, बट भाव से 28 अप्रैल को भाव से आशीर्वाद देना कि जो इधर लड़की आई थी उसकी दीक्षा है तो वो सिर्फ संयम जीवन में ऐसे मार्ग पे जा रही है तो उसका संयम जीवन सफल बने और हम बहुत अच्छे से संयम जीवन अच्छे से पालूं और बस जल्दी में मोक्ष में जाए। तारू चाल वो तारू बोल वो कालू ने घेलू याद छे मारी आँख मा तारा बाल पण ना मातृधाम वृद्धाश्रम के एक सेवाभावी कार्यकर्ता मुकेश भाई से हम बात कर रहे हैं। मुकेश भाई कितने सालों से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं? मैं 9 सालों से सेवा दे रहे हूँ। नौवां साल है मेरा यहाँ। और एक खास बात, मुकेश भाई अभी कुछ ही अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, कैसा अनुभव रहा 9 साल का? 9 साल में मेरे को यहाँ से बहुत प्यार मिला है, बहुत मेरे को खुशी मिली है। जो मेरा सबसे कहा जाए कि भयंकर रोग जो किसको कैंसर बोलते हैं, 5 हार्ट अटैक, ब्लड और किडनी खराब,
वो सब उनकी सेवा से मेरे को खत्म होने को आ रहा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इनको 5 बार हार्ट अटैक आ गया। 5 बार हार्ट अटैक आ चुका है, ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर हो चुका था, किडनी खराब है, दोनों किडनी खराब है, और अभी सब रिकवरी आ गई और सब कुछ रिकवर हो चुका है इनका। डॉक्टर लोग अचंभित है, मुझे पहले भी बताया उन्होंने बातचीत का बताया, डॉक्टर लोग अचंभित है कि किसी के 5 हार्ट अटैक करने के बाद भी कोई जी सकता है। आज 18-20 साल के युवान हाँ हार्ट अटैक से जा रहे हैं, उस समय है कोई इस उम्र में भी 5 हार्ट अटैक होने के बावजूद, कैंसर होने के, ब्लड कैंसर होने के बावजूद, और क्या क्या तकलीफें थी आपको? दोनों किडनी भी खराब थी, लेकिन आज हमारे सामने, और एक ही कारण जो वृद्धाश्रम में है उनकी जो सेवा 9 साल से ये जो भाई कर रहे हैं, दिल से सेवा कर रहे हैं। मैंने 2 घंटे के अनुभव में मुकेश भाई का हृदय देखा, उनकी श्राविका दर्शना बहन वो बिना पैसे सेवा भाव से यहाँ पर सेवा दे रही है। इन दोनों ने एक ऐसे तो उम्र वाले हैं लेकिन एक बच्चों की तरह उनको संभालने का काम करते हैं, तो खूब खूब धन्यवाद आपका। और कैसा, और ये मतलब ये कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये कहाँ यहाँ से हमारा आने वाला है? बॉम्बे से है, बेंगलोर से है, धांगंद्रा से है, धंधुका से। कुछ पैसे वाले परिवार भी हो गए? पैसे वाले परिवार तो होंगे, पर क्या है कि वो अकेले पड़ गए अभी, उसको जो एक दो होते हैं संतान उसने नहीं अच्छा लगा, दूर कर दिया है, तो बेचारे वो मुश्किल से यहाँ पे आ गए हैं। और सभी जैन हैं? हाँ, यहाँ जैन के सिवा किसी को रखते नहीं, ओनली फॉर जैन। अच्छा, और वो आराधना साधना करते हैं प्रत्येक हाँ। समय सुबह में हमारे 7 से 7:30 क्रिया विधि क्या है यहाँ की? हमारे सवेरे का दिनचर्या क्या है? सुबह में 7 बजे हमारे यहाँ सबका भक्तमर करते हैं सब लोग, उसके बाद नौकार सी होती है 7:30 बजे, उसके बाद नहा धो के सेवा पूजा जिसको करना है वो, फिर 12:15 बजे खाने का टाइम होता है, 2:30 बजे चाय, और 3 से 4 सामायिक कंपलसरी होता है। सभी मेंबर को कंपलसरी सामायिक करना ही होता है, अनुमोदना। और उसके बाद 5 बजे चौविहार आ जाता है, और उसके बाद शाम को कोई प्रतिक्रमण करता है, कोई सामायिक करता है, अपने हिसाब से वो अपने पूरा दिन पूरा करता है। वृद्धाश्रम किसने बनाया है ये? ये कमलाबेन मेहता जो है नाम, वो कमलाबेन की इच्छा थी उनके मृत्यु समय, तीनों लड़के और लड़की ने स्वीकार लिया कि भाई हम तेरे लिए वृद्धाश्रम बनाएंगे और एक जैन वृद्धाश्रम बनाएंगे, जिसके जैन लोगों को दूसरे वृद्धाश्रम में क्या कि प्याज लहसुन डूंगड़ी वगैरह खाना पड़ता है, तो उससे उनको छुटकारा मिले और यहाँ वो अपना धर्म पूरी संभाल पाए। हाँ, ऐसा यहाँ कभी कोई दीक्षार्थी इस तरह से आया? जैसे हमारे ये 13 साल के है, ये 12 साल की गुड़िया है निष्ठा बहन, और आज स्पेशल दीक्षार्थी को आप लेके आए हो ऐसा नहीं है। वो कोई बार क्या है कि महाराज सब विहार करते हैं, उनके साथ में जो दीक्षार्थी आ जाते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा है। ऐसा हमारा फंक्शन 9 साल में पहली बार हुआ है मेरी हाजिरी में कि दीक्षार्थी आए और हम दीक्षार्थी का इतना बहुमान, इन्होंने बहुमान भी किया है, दीक्षार्थी का बहुमान, ये तो हमारा सौभाग्य है। इन्होंने अभी तक वापरा भी नहीं है, लेकिन ये एक ही बात बोल रहे हैं कि हम खाने का तो जिंदगी भर किया है लेकिन ऐसा मुमुक्षु का लाभ कब मिलता है? 11 बज चुके हैं, सुबह से नाश्ता भी इन्होंने नहीं किया है। और खास मैं सबसे कहूंगा, ऐसे कार्यक्रम दीक्षार्थी की मुहूर्त निकलने के बाद कई लोगों के एक प्रश्न होते हैं कि हम वरगोड़े हजारों करने चाहिए, अच्छे ढंग से करने चाहिए, लेकिन साथ साथ में ऐसे वृद्धाश्रम या ऐसे कुछ और से उनकी मुलाकात करवानी चाहिए, उनके हृदय का जो विनाश है उससे जीवंत रहती है। बस खास